भाई इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इस सेगमेंट में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस अगर किसी प्रोसेसर की है तो वो है इसी की, स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 की। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्मार्टफोन अंदर 15,000 रुपीज। तो अब देखो 15,000 रुपए के बजट के अंदर बहुत सारे फोन है यार, रियलमी के ले लो, रेडमी के ले लो, नोकिया के ले लो, मोटोरोला के ले लो, मतलब भाई लिस्ट जो है इतनी लंबी है। IQOO भी आ गया है, मतलब IQ जो कह लो सिंपल शब्दों में। फोन के अंदर हर एक चीज मैटर करती है, चाहे वो उसका प्रोसेसर हो, चाहे वो उसका कैमरा हो, चाहे वो उसकी बिल्ड क्वालिटी हो, चाहे आप उसके रैम और रोम की बात कर लो, या चाहे उसकी डिजाइन हो। इन सारे फैक्टर के बेसिस पे हम लेके आए हैं सिर्फ 3 ऐसे स्मार्टफोन जो कि बेस्ट ऑफ बेस्ट है। मतलब इसमें आप जो भी पैसे 15,000 रुपए का जो भी फोन इन तीनों में से खरीदोगे वो वैल्यू फॉर मनी होगा, मतलब आपके पैसे की एक एक पाई के बराबर होगा। अब आते हैं मुद्दे पे। देखो लिस्ट में जो सबसे पहला फोन है वो है Xiaomi Redmi 12 5G। अब इसके अलावा जो दूसरा फोन है वो है Samsung का M14। इसके अलावा आता है हमारा तीसरा फोन जो है Realme का 9i 5G। अब देखो ये सारे फोन 5G हैं, सारे फोन्स में 5000 mAh की बैटरी है, किसी में आपको फास्ट चार्जर मिल जाएगा, किसी में आपको नहीं मिलेगा, कि सब में आपको एंड्रॉइड 12 एंड अबव मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम Redmi 12 5G की। Redmi 12 5G के अंदर आपको मिलेगा Snapdragon 4 Gen 2। इंडिया का पहला ऐसा फोन है जिसके अंदर Snapdragon 4 Gen 2 मिलेगा। और जी हाँ भाई, भाई इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इस सेगमेंट में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस अगर किसी प्रोसेसर की है तो वो है इसी की, Snapdragon 4 Gen 2 की। अब हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे इसमें रैम और रोम की, तो 4GB 64GB और 128GB की मेमोरी के साथ आता है। इसके साथ ही आप 256GB वाला भी ले सकते हो, इवन आप 6GB रैम वाला भी ले सकते हो, और हाँ 8GB रैम वाला भी अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे इसके कैमरे की। कैमरा इसमें आता है 50MP का प्राइमरी कैमरा, इसके साथ ही 2MP का एक डेप्थ कैमरा है, और फ्रंट कैमरा इसमें आता है 8MP का। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। देखो 6.79 इंच का डिस्प्ले है, बट जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना इस फोन के अंदर वो है सुपर एमोलेड स्क्रीन। इस सेगमेंट में 15,000 के अंदर कोई भी फोन में सुपर एमोलेड नहीं आता, सिंपल शब्दों में समझो तो। मतलब स्क्रीन जो एक ब्राइटर और मजेदार वाली स्क्रीन होती है ना, वो आपको किसी फोन के अंदर नहीं मिलने वाली, वो आपको मिलने वाली इसी फोन के अंदर। तो इसकी सबसे अच्छी पार्ट है सुपर एमोलेड। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे फोन की जो है सैमसंग का M14। सैमसंग M14 के अंदर आता है एक्साइनोस का चिप्स। हाँ, समझ गए भाई, एक्साइनोस से आप सब लोग घबराते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। तो अब एक्साइनोस का 1330 आता है इसका प्रोसेसर जो है, जो कहीं ना कहीं काफी अच्छी परफॉर्मेंस जनरेट करता है। ऑब्वियसली बात है, वी डू एग्री कि ये स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 से अच्छा नहीं होगा बहुत सारे एस्पेक्ट में, बट स्टिल ये काफी अच्छा प्रोसेसर है, इसलिए हमने इस फोन को यहाँ पे कंसिडर किया है। इसमें भी आपको मिलेगा 4GB 64GB, सिंपल सी बात है। इसमें भी आपको कॉन्फ़िगरेशन, आप 6GB वाला भी ले सकते हो अगर आपको लेना है। अब हम बात करते हैं इसके कैमरे की। तो देखो इसमें 50MP का प्राइमरी शूटर आता है, ऐसे ही जैसे आपके Redmi 12 में आता है, प्लस इसमें आपको 2MP का डेप्थ सेंसर आएगा। इसमें भी वही है सेम टू सेम, बट इसकी कैमरा क्वालिटी अगर आप कंपेयर करोगे इसको Redmi से तो ऑब्वियस ही बात है बेटर होगी। अब फ्रंट कैमरे की बात करें तो 13MP का इसके अंदर फ्रंट कैमरा आता है। अब देखो इसमें डिस्प्ले की अगर बात करूं तो 6.6 इंच का डिस्प्ले है, जो कि मतलब यार ऑब्वियस बात है सिर्फ फुल HD है और LCD में है पैनल इसका, तो मज़ा नहीं आएगा आपको उतना जितना आपको Xiaomi Redmi 12 के अंदर आने वाला है। तो गाइज देखो, अगर आपको लेटेस्ट टेक यानी कि लेटेस्ट AI या टेक में क्या चल रहा है, या ऐसी ऐसी टिप्स या हैक्स आपको जानना है जो कि आपके अगल बगल वाले भी ना जानते हो, तो आप हमारे Instagram चैनल टेक व्यू को फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे हम डेली अच्छी अच्छी रील्स लाते हैं जिसमें एक से एक टेक हैक्स हैं। तो वहां पे आप उन रील्स को देख के 5% स्मार्ट बन सकते हो अपनी डेली लाइफ के अंदर। अब हम बात करेंगे तीसरे फोन की जो है Realme का 9i 5G। इस फोन के अंदर जो प्रोसेसर आता है वो MediaTek का 810
Dimensity प्रोसेसर है जो कि कहीं ना कहीं काफी ऐसे अच्छा प्रोसेसर है, बहुत अच्छा नहीं है। मैं अगेन एक ही बात रिपीट करूंगा, ये तीनों फोन सबसे बेस्ट हैं 15,000 के अंदर, इससे अच्छे कोई फोन ही नहीं है 15,000 के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसमें भी 4GB 64GB ही आएगा। इसके अलावा इसके कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा आएगा, प्लस इसमें 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी आएगा। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, इसमें 6.6 इंच का डिस्प्ले है जो कि नॉर्मल फुल HD स्क्रीन है LCD पैनल में। इसका जो रिफ्रेश रेट है 90Hz ही है। अब आते हैं मुद्दे पे, जो सबसे अच्छा फोन है इन तीनों में वो है Redmi का 12 5G, मतलब Xiaomi का Redmi 12 5G, जो कि आपको value for money मिलेगा। अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं इस समय में Amazon की सेल स्टार्ट हुई है और ये फोन सिर्फ 10,999 रुपए में मिल रहा है। अब स्क्रीन पे देख सकते हो इंक्लूडिंग ऑल द बैंक डिस्काउंट। अब भाई देखो, आप सोच रहे होगे भाई इतना सस्ता मिल रहा है और आप रिकमेंड कर रहे हो, कैसे, ये क्या अच्छा है इसमें, ऐसा क्या आपने देखा कि जो सबसे बेस्ट है इन तीनों में। देखो सबसे पहली बात, इसका सुपर एमोलेड डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात, इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 4 Gen 2, जो कि फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 प्रोसेसर के साथ ये फोन लॉन्च हुआ है, वो इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तीसरा, इसकी जो बैक डिजाइन है वो काइंड ऑफ क्रिस्टल डिजाइन है, तो इसकी वजह से ये काफी ऐसे प्रीमियम फील होता है, मतलब थोड़ा ऐसे नया सा लगता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा एक वैल्यू एड करता है आपकी प्राइस के अंदर। तो अब देखो यार, सीधी सी बात है, तीनों फोन का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आपको जो सा भी खरीदना आप खरीद सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में सेम टाइम पे, तब तक के लिए गुड बाय।